दोस्तों, इंक्लाइन बेंच को अगर आप अपने लिए ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहते हैं, ज़्यादा फ्रूटफुल करना चाहते हैं, तो ये गलतियाँ बिल्कुल नहीं करना है। जैसा भी वीडियो में दिखाया, सबसे पहले या तो आप बार को मिडिल या लोअर चेस्ट पे लेके आएंगे इंक्लाइन बेंच पे, ये गलत है बिल्कुल। इससे आपके शोल्डर जॉइंट पे अननेसेसरी लोड पड़ेगा। दूसरी गलती आप करते हैं कि बार पोजीशन तो ठीक है लेकिन रेंज ऑफ मूवमेंट कम, आप टच नहीं करते। आपको डर ये रहता है कि मैं पूरा चेस्ट पे टच करूँ तो वेट उठेगा नहीं, तो वेट इतना लगाओ कि पूरा रेंज के अंदर आप मूवमेंट कर सकें। तीसरी गलती आपकी, जैसे जैसे आपके रेपिटेशन बढ़ते हैं आप अपना लो हिप्स को उठाना शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे उसको फ्लैट पोजीशन पे ले आते हैं। आपने इंक्लाइन बेंच करना है, हिप बिल्कुल आपका बेंच के साथ टिका रहे, बार पोजीशन यही है अपर चेस्ट पे आएगा आपका बार, फुल रेंज ऑफ मूवमेंट में करना है। जैसे ये इस वीडियो में दिखाया लास्ट में मैंने, ये बिल्कुल एक्यूरेट मूवमेंट है। आपका बॉडी का पोजिशन ठीक है, ग्रिप स्टांस ठीक है, बार अपर चेस्ट पर आई है और रेंज ऑफ मूवमेंट भी पूरा है। डाउनवर्ड मोशन स्लो है थोड़ा सा, अपवर्ड में आपने ज़्यादा पुश किया, ये करेक्ट पोजीशन है बिल्कुल जो इस लास्ट वीडियो में दिखाया है। तो इसको, इन गलतियों को दूर करें, अपना सही मूवमेंट करें, ज़्यादा इफेक्टिव भी रहेगी, इंजरी भी कम होगी। थैंक यू।